क्यों टकाटक को बसेस के ब्लू कलर की वजह से बंद करना पड़ा? टेलीफोन बनाने वालों ने ऐसी क्या छोटी गलती कर दी जिससे उनको टेलीफोन बनाना ही बंद करना पड़ा? ऐसी और भी कई चीजें हैं जो बचकाने रीजन की वजह से आज हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलती, तो एंड तक देखना। नंबर 12 पेप्सी। ये 1 रुपए वाली पेप्सी हमारे लिए बड़ी कोल्ड ड्रिंक से कम नहीं थी। आज भी ये कई जगह पर मिलती है लेकिन पहले की तरह नहीं मिलती। इसकी वजह है कि इसके खिलाफ काफी सारे एलिगेशन भी उठाए गए थे कि इसमें गंदा पानी का इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादातर ये जो पेप्सी थे ये नॉर्मल लोगों के घर से आते थे। ये फैक्ट्री नहीं बल्कि लोकल बिजनेस था और इसलिए समय के साथ लोगों ने इसको बनाना छोड़ दिया और बच्चे भी अब इसे नहीं खरीद रहे हैं। नंबर 1 जेलीफोन। आप ये जेलीफोन इसके शेप की वजह से लेते थे होंगे क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता था। ये बचपन की यादें अब पहले जैसी नहीं रही। अब इसका प्रोडक्शन काफी कम हो गया है क्योंकि ये दूर तक अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाते थे। ये जेली सस्ती होती थी और इन्हें कम प्रॉफिट होता था जिसकी वजह से वो उसको बढ़ाने के लिए और पैसे खर्च नहीं कर पाते थे या फिर वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे, जिस वजह से अभी भी ये मिलता है लेकिन बहुत कम जगह पर। नंबर 10 कैडबरी बाइट्स। ये हमारे जमाने की सबसे प्रीमियम चॉकलेट हुआ करती थी लेकिन कैडबरी कंपनी ने इसे ही बनाना बंद कर दिया क्योंकि फिर कैडबरी कंपनी को क्राफ्ट फूड कंपनी ने खरीद लिया था और उन्होंने इस प्रोडक्ट को किसी वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया और तब हमें इसके बारे में पता भी नहीं चला। गाइस वैसे हमने इंग्लिश का एक नया चैनल खोला है, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो यहाँ पर आने वाली वीडियोस आपको गजब के लगेंगे, तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखना है 10,000 सब्सक्राइबर्स कब तक होंगे। नंबर 9 टकाटक। ये आज तो कुरकुरे को तगड़ा कॉम्पिटिशन दे सकता था पर कुरकुरे की मार्केटिंग ने इसे खत्म कर दिया। कुरकुरे का टेस्ट बहुत कमाल का है और उसके बाद कुरकुरे की टीवी में भी मार्केटिंग होने लगी और कुरकुरे का पैकेट दिखने में भी इससे काफी अच्छा दिखता था, जिस वजह से धीरे धीरे टकाटक कंपनी की सेल गिरने लगी और उनका प्रोडक्ट और बेकार होने लगा और यह बहुत कम जगह पर मिलता है। नंबर 8 लट्टू। मैं तो इसे हाथ पर घुमा लेता था लेकिन आज के बच्चों के लिए ये खिलौना काफी ज्यादा बोरिंग है। इसकी जगह लोग बेब्लेड ले लेते हैं और वो दिखने में भी इससे ज्यादा बेहतर है और शॉप्स में भी कई ऐसे खिलौने होते हैं जो दिखने में इससे ज्यादा अच्छे होते हैं, तो उन्हें खेलने में ज्यादा मजा भी आता है। और कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है और इसीलिए लोग इसे खरीदना बंद कर दिए हैं और इसका प्रोडक्शन भी बहुत कम हो गया है। नंबर 7 कॉपर किचन सेट। पहले बच्चे जो किचन सेट खेलते थे वो प्लास्टिक के नहीं बल्कि कॉपर या फिर मेटल के आते थे जो कि काफी रियलिस्टिक भी लगते थे। अब जो किचन सेट आते हैं वो प्लास्टिक के आते हैं। पहले मेटल के भी आते थे लेकिन वो ज्यादा महंगे आते थे और प्लास्टिक सेफ और सस्ता था और आसानी से मिल भी जाता था और इसीलिए कॉपर और मेटल के किचन सेट पूरी तरीके से मार्केट से गायब हो गए। नंबर 6 ऑर्बिस। इसको पानी में ढालने के बाद 1-2 दिन वेट करना पड़ता था, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था और एक बार फूलने के बाद ये कुछ ही वक्त में ये टूट जाते थे, यानी सारी मेहनत बर्बाद। फिर भी इसे देखने में मजा आता था। आज भी कई दुकानों में ये मिलती है लेकिन किसी कोने में पड़े रहती है क्योंकि ये तो आजकल के बच्चों को उतना पता भी नहीं या फिर इसका क्रेज खत्म हो गया है। नंबर 5 चीटोस। इसे आपने कभी न कभी खाया होगा या नाम तो सुना होगा पर अब तो इसका नामो निशान तक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीटोस जब इंडिया में आए तब ये इंडिया के मुकाबले महंगे थे और इंडिया के लोग तभी इतने सारे पैसे स्नैक्स पर तो बिल्कुल नहीं लगाते थे और ऊपर से ये बिल्कुल किसी पफ बॉल की तरह था जो इंडिया में सस्ते भी मिल जाते हैं। पेप्सी को अभी भी चीटोस बेचती है पर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। नंबर 4 कैल्शियम कैंडी। ये कैल्शियम कैंडी टेस्टी होने के साथ हेल्थी भी थी, ये हमें ऐसा लगता था क्योंकि ये इसके ऊपर लिखा हुआ था और ये बात तो सच है कि इसमें काफी मात्रा में कैल्शियम होता भी था और कई चाइल्ड डॉक्टर भी इसे अपने क्लिनिक में रखते थे पर समय के साथ लोग इसे भूल गए और अब ये काफी रेयरली किसी मॉल्स में ही दिखते हैं। नंबर 3 स्लिंगशॉट। ये जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग खिलौना था उतना ही खतरनाक भी, जिस वजह से इसे कई जगह पर बेचना इलीगल कर दिया था। इसके प्रोडक्शन पर काफी ज्यादा असर पड़ा और तब मार्केट में इससे ज्यादा सेफ और ज्यादा इंटरेस्टिंग खिलौने आने लगे और बच्चे उन्हें खरीदने लगे। नंबर 2 ऑरेंज कैंडी। ये कैंडी अभी भी मिलती है पर बस किसी पुराने दुकान में। ये कैंडी को अब लोग बस इसके दिखने की वजह से नहीं लेते, जो नए नए चॉकलेट वाले ब्रांड थे वो अपने पैकेजिंग को बहुत बढ़िया बनाते थे और ये जो कैंडी थी इनकी उतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं थी, जिस वजह से ये ज्यादा लोकल लगती थी और इसकी सेल्स इसी की वजह से कम हो गई। नंबर 1 प्लेइंग कैंडी। इस कैंडी को खाने और खेलने दोनों में इस्तेमाल किया जाता था। इसके अंदर 2 होल आते थे और उसमें अगर रस्सी डाल दी जाए तो फिर ये काफी देर तक घूमता था बिल्कुल किसी कटर की तरह, लेकिन फिर इसका बीच का हिस्सा टूट जाता था और हमारे पास खाने के सिवा कोई और सोल्यूशन नहीं बचता था। पर समय के साथ बच्चे बड़े हो गए और उनको ऐसे गेम्स में इंटरेस्ट नहीं रहा। ये तो हो गई पुरानी चीजों पे बात, पर क्या आपको पिंकी प्रॉमिस के इस डरावने सच के बारे में पता है, जिसे जानने के बाद आप जिंदगी में कभी पिंकी प्रॉमिस नहीं करोगे और क्यों पहले लोगों की चेस खेलते खेलते मौत हो जाती थी और कैसे पहले ये बच्चों की गेम बेगुनाह लोगों की जान ले जाती थी। भाई ये वीडियो देखने के बाद आप 2 दिन शॉक में रहोगे, तो इसे अभी दबाओ और देख लो यार। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।